Yo, what's up everyone, it's your boy Fejamal. Welcome back to my reaction channel guys. कैसे हैं आप सब? Close your eyes. तो आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं ग्रेविटी भाई के गाने के ऊपर, जिसका ग्रेविटी एक्स नील सीके होने वाला है। मैंने इस आर्टिस्ट के बारे में नहीं सुना, अब इतना तो मुझे पता चल गया है कि इस नील सीके ने ही प्रोड्यूस कर रखा है इस गाने को, और मिक्स मास्टर्ड बाय आउटफ्लाई ने कर रखा है। वो सब बातें बाद की हैं, लेकिन सबसे मुद्दे की जो बात यह है कि एल्बम का नाम है मलाल। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि इस एल्बम में कितने गाने हैं, कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, वो सब बाद की बातें हैं, वो सब बाद में चेक करेंगे। अभी गाने की बात करते हैं। ग्रेविटी भाई का गाना मैं काफ़ी दिन के बाद सुनने जा रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ या कुछ, हाँ ऐसे समझ लो, कुछ करीब करीब मैं सुनने वाला हूँ। ग्रेविटी के जो मेन खेल है ना भाई, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसकी आवाज़, जो उसके वोकल है, जिस तरीके से वो उसमें खेल बदल करता है ना भाई, लेजिट आ जाता है, बहुत आला। मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए वो आर्टिस्ट पसंद है हजल 2.0 से, जब से मैंने वो सुना है उस आर्टिस्ट को, जलाल्दीन हो शायद वो गाना, चाहे कोई भी गाना हो, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है मुझे आर्टिस्ट पर्सनली, दिल से बहुत ज़्यादा मुझे सुन के ही अच्छा लगता है, क्योंकि अलग वाइब है, थोड़ा डिफरेंट समझ, जब लीग में कुछ अलग आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको सुनते हैं, लेट्स सी गाना किस बारे में होने वाला है। ना जाना दूर क्या वाइब होने वाली। बट मुद्दा ये है कि अगर तुम चैनल पर नए हो तो अभी इसी वक्त फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लो राइट नाउ, क्योंकि मैं डेली रिएक्शन वीडियो यहाँ पर डालता रहता हूँ एकदम क्रिस्प एंड क्लियर, तुम्हें मजा आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लो राइट नाउ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए गानों की बाली यूं करके लगा लेते हैं एंड वीडियो पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। विदिन 3, 2, 1 लेट्स गो बेबी। ये तो डिफरेंट है कुछ। मेरे चेहरे पे ना आंसू है। आय आय आय, बीट क्या आई है। मेरे चेहरे पे ना आंसू है, अब तो खुद पे ही नाराज हूँ मैं। अच्छा। माना चाहे तेरी एक झलक, झलक दे जाती है यादों में, तू मुझे चाहे या फिर ना चाहे, ना मुझे तोल इस तराजू पे। क्या बात है। जिसने भी मेरी राह देखी, देखा राहों पे बर्बाद हूँ मैं, देखा राहों पे आबाद हूँ मैं, ये ना दिखे मेरी आंखों में, ये ना बिके तेरे कदमों पे, तेरे ख्यालों का गुलाम हूँ मैं। और ये कर रही है अंत मेरा, जिसने दिया मुझे मरहम वो दर्द तेरा, तेरी दी हुई मोहब्बत का है कर्ज गहरा, जा चुका है सब कुछ बस अब ये पागलपन ठहरा, तो मैं चीरू हर एक पन्ना हर एक जर्रा बिखरेगा, मौत देखी इतनी बार मन से डरना निकलेगा, उसकी आगोश में सर रख के रोया, तुझे खोजा फिर है खोया, खुद को खोके सब कुछ खोया। ना जाना दूर आवाजें बड़ी। अच्छा तो ये है नील सीके, मैं पहली बार सुन रहा हूं साडिस को, तो सुनते हैं देखते हैं किस बारे में, क्या 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 मतलब क्या तरीका होने वाला है, क्या अंदाज होने वाला है, क्या डिफरेंट होने वाला है। इस बाल की तो कुछ नहीं। अरे भैया क्या है भैये, अरे भैये, हाँ सुनते हैं देखते हैं नील सीके की वाइब क्या होने वाली है। निकलेगा उसकी आगोश में सर रख के रोया, तुझे खोजा फिर है खोया, खुद को खो के सब कुछ खोया। ना जाना दूर आवाजें बड़ी, नींद भी ना रातें कटी, मैं गया डूब दरारे बनी, जो चाहे वो पाते नहीं। ना जाना दूर आवाजें बड़ी, नींद भी ना रातें कटी, मैं गया डूब दरारे बनी, जो चाहे वो पाते नहीं। देखो 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 देखो, मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि नील, जिसके बारे में मैंने आज पहली बार सुना, उसके वोकल्स कितने क्रिस्प आ रहे थे, मतलब कितना डार्क थीम के साथ, इतनी अलग, और मतलब होता नहीं, मतलब तुम भाई कोई तुमसे दूर से कोई आवाज़ तुम्हें दे रहा है, जैसे है तुम कहीं से जा रहे हो, तुम कहीं बैठे हो, कोई दूसरे कमरे से तुम्हें आवाज़ दे रहा है,
उस आवाज में भी जो डेप्थ होती, जो क्रिस्प एंड क्लियर जो तुम्हारी आवाज कानों में आ रही, उस तरीके की वॉइस थी, और इतने एडिक्टिव वोकल्स थे ना भाई, लिट बहुत ज्यादा अमेजिंग। साथ में भाई ग्रेविटी की तो पोएट्री के बारे में तुमको पता ही है, लिखाएगा तो आला। साथ में वोकल्स समझ रहे हो कितना नेक्स्ट लेवल सीन चला जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रैक। हाँ, स्लो ट्रैक था, गाने की वाइब डायरेक्ट थी, लेकिन वो ये होने के बावजूद भी गाना अपने आप में बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई होप तुम लोग को पसंद आया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। मिलते तुमसे किसी और दिन ऐसे ही अमेजिंग रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन बाय।